हेलो गाइस, मैं आ चुकी थी मेरे गांव में और गांव में मैं 6 बजे उठ गई थी और 6 बजे के 7 बजे मुझे चिड़िया की आवाज़ आने लगी। अब सुन सकते हैं। और ये हमारी वाड़ी है, वाड़ी में सब कुछ हमने उगाया भी है। उगाया के साथ हमारे ये हमारा गांव है और ये ट्री है हमारा। सहजन की सब्जी भी बनती, बहुत अच्छी लगते, बहुत छोटे छोटे होते हैं पर बहुत टेस्टी होते। ये देखो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है, उधर पहाड़ देख रहे, उसके बीचों बीच सन आ रहा है और बहुत ब्यूटीफुल था। आप हमारे साथ, हाँ, और आप हमारे साथ रहते तो कितना मज़ा आता था। और आप देख सकते हो इधर हमारे गेहूं में कितने कितने नीचे नीचे भी है और गेहूं भी है अभी तक। और ये पपीता है और ये लहसुन है और ये है सहजन। सहजन आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे हैं पर उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये देखो बहुत छोटे हैं, अभी लगना बाकी है पर इसे तोड़ के हम खाते तो बहुत अच्छा लगता है। ये है फेली, सेव है और बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसलिए मैं तो 6 बजे उठ जाती हूँ और 10 बजे तक तोड़ती रहती हूँ। ये मेरे सहजन निकाल रहे हैं, आप देख सकते हो छोटे छोटे हैं तो भी अच्छे लगते हैं। मैं बोल रही थी ना छोटे छोटे भी हम खाते हैं, ये आप देख सकते हो कितने छोटे पर टेस्ट किसका बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा पहले हम जब रहते थे उसी का ये, पहले हम जब रहते थे ना वो गांव, पहले हम उधर रहते थे पर इधर आ चुके अब। और ये पपीता है और ये हमारी वाड़ी है और ये है सफरजन, सफरजन नहीं वो एप्पल। आप देख सकते हो इधर बहुत अच्छा अच्छा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और ये फुदीना और ये ऑनियन वो सब कुछ लगाया है हमें। इधर से हमारा ख़त्म हो जाता है और इधर एक ही ब्राउन वाला है सर, बहुत से खा के हम बहुत ताकतवर बनते हैं। मैं तो हर रोज खाती हूँ। और ये है छोटे छोटे टोमेटो जो टेस्ट बहुत इसका अच्छा लगता है। हम ऐसे ऐसे चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लाल लाल वो दिख रहा है ना, रेड रेड दिखा दिया हमने। बहुत सब कुछ मज़ा आता है इधर रहने का, तो नीचे बाड़ी ऊपर सब कुछ। यह पुदीना जो हम चाय में डाल के बहुत अच्छे से पीते हैं वो वाली ही पुदीना है। पर और ये है आम, आम अभी लगने के बाकी है, जब इसकी सीजन आएगी तो